सभी लोगों के दिमाग में वहम रहता है कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो अखबारों में आपने ऐड देखा होगा 5.7 लाख से शुरू, 4.47 लाख से शुरू, मतलब उसमें दिखाते हैं ना वो लोग। तो एक्चुअल में एक शोरूम कीमत दिखाते हैं, तो एक शोरूम और ऑन रोड एक्चुअल में होता क्या है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, एंड मैं अनुराग भटनागर एडवाइस अनुराग चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक शोरूम की कीमत क्या होती है एक्चुअल में? एक शोरूम जो होता है वो उस जो व्हीकल रहता है उस व्हीकल पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता, मतलब उस व्हीकल पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होता, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं होता, एक्सेसरीज चार्जेस नहीं होता, नॉर्मल रहता है। मान लीजिए अगर कोई गाड़ी आपकी 5 लाख रुपए की है, आपने अखबार में ऐड देखा, आपने किसी बोर्ड पर ऐड देखा वो गाड़ी 5 लाख रुपए की है, एंड उस गाड़ी को आपको खरीदने जाना है, तो वो जो गाड़ी बताएंगे रेट आपको पहले बोलेंगे कि सर ये गाड़ी जो है आपकी वो 5 लाख रुपए की है, ये एक शोरूम प्राइस है। देन इस पर आपका जो टैक्सेस रहते हैं वो क्या है, मतलब आपके जो एक्सपेंसेस रहते हैं अलग से वो क्या है? आपका इसमें इंश्योरेंस जुड़ेगा 20,000 रुपए का, ठीक है, 5 लाख में 20,000 का आपका इंश्योरेंस जुड़ गया। देन आपका सर इसमें रजिस्ट्रेशन जुड़ेगा, जो आप गाड़ी नंबर लोगे उसका रजिस्ट्रेशन जाएगा 40,000 या 30,000 रुपये जो भी जाता है। तो वही चीज़ आपको, जैसे आप 30,000 मान लो रजिस्ट्रेशन के, 20,000 आपके इंश्योरेंस के हो गए, 50,000 ये हुए। अब सर इसमें आप ऐसा तो है नहीं गाड़ी ऐसी ले जाओगे, आपको इसमें एसेसरीज चाहिए होगी, एसेसरीज आपको मैट चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ चाहिए, आपको टेम्पल भी चाहिए, आपको परफ्यूम भी चाहिए, ठीक है, कुशन भी चाहिए, आपको की रिंग भी चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं वो एक्चुअल में एसेसरीज में आती है। तो ये चीज़ें होती हैं आपका एक शोरूम से आपको ऑन रोड पहुंचाने तक। और जो गाड़ी आप नॉर्मली अगर कभी थिंकिंग रख के जाओ कि आप गाड़ी ले रहे हो 5 लाख की, 6 लाख की या 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, तो आप सोच के जाइएगा कम से कम उसका 10 से 15% तो आप एक्स्ट्रा बचा लेके चलिएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए 6 लाख की आपकी गाड़ी है तो आप 60,000 रुपये 10% हैं वो तो एक्स्ट्रा लेकर चलिए हमेशा, क्योंकि वो आपका टैक्स मतलब इंश्योरेंस और आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है ना उसके साथ चला जाता है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी महंगी होती रहेगी वैसे वैसे आपका 10% आगे बढ़ता रहेगा। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, कीप शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।